ठीक है, I'll be there. ओके, मैं बताऊंगा, कल बताऊंगा. ओके ओके बाय. कोई होता है जो अपनी आवाज से पूरी दुनिया को शांत करता है, और कोई है जो अपनी आवाज से पूरी दुनिया को सर पे उठा लेता है. मैं किसी को तो कुछ तो समझा रहा था, लेकिन तुम किसकी बात कर रही हो? सुनो और सीखो. एक बार बिहार में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए एक जलसे का आयोजन किया गया था. इस जलसे में बहुत बड़े बड़े गायकों को बुलाया गया था, जैसे उस्ताद फैयाज अली खां, उस्ताद विलायत खां, श्रीमती केसरबाई केरकर, मोगूबाई कुर्डीकर. लेकिन किसी कारणवश उन सब लोगों को वहां पहुंचने में थोड़ी सी देर हो गई. तो पब्लिक ने तो शोर मचा दिया होगा. बिल्कुल. और ऐसे वक्त पे उस्ताद अता मोहम्मद अली खान ने एक छोटी सी लड़की बीबी को स्टेज पर गाने का मौका दिया. इतनी बड़ी भीड़ के सामने, इतनी बड़ी महफिल में गाने का अनुभव तो उसे था नहीं, लेकिन जैसे ही इस लड़की ने गाना शुरू किया, पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया, सब शांत. तो वो लड़की थी कौन? भारत की महान गायिका मलिकाए गजल बेगम अख्तर साहिबा. इतनी सारी भीड़ को देखकर वो लड़की थोड़ी सी डर जरूर गई थी, लेकिन जैसे ही उसने हिम्मत करके आलाप छेड़ा, गजल गाई, तूने बूते हर जाई, कुछ ऐसी अदा पाई, तकता है सूरत तेरी हर एक तमाशाई. और तब इस दुनिया को समझ में आया कि वो एक बहुत बड़ी हस्ती को सुन रहे हैं. उस गजल के साथ साथ पूरी महफिल तालियों से और वाहवाइयों से गूंज उठी. उनका जन्म था फैजाबाद का, इसीलिए शुरू में वो अख्तरी बाई फैजाबादी के नाम से मशहूर थी. उन्होंने उस्ताद अता मोहम्मद खां और उस्ताद अब्दुल वाहिद खां से म्यूजिक की शिक्षा ली. तो जब बेगम साहबा ने पहली बार गाना गाया तो पब्लिक ने तो डिमांड की ही होगी. ऑफ कोर्स. और जनता की भीड़ में से श्रीमती सरोजिनी नायडू खुद उठकर आई और उन्होंने उस छोटी सी बच्ची को एक खादी की साड़ी गिफ्ट की. वाह, क्या दिल जीता है उन्होंने सुनने वालों को. एक मिनट. हां, ये तो अपने अपने हुनर की बात. हां आ भाई. हां हां ठीक है.